नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। भारत में कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में खाद को लेकर काफी कमी देखने को मिलती है। इस कारण किसानों को घंटों लाइनों में खड़े होकर रासायनिक खाद को खरीदना पड़ता है। कई बार शॉर्टेज के चलते उनको फर्टिलाइजर मिल भी नहीं पाता, जिससे उनकी पैदावार पे कमी दिखती है। हालांकि इस चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग रासायनिक खाद में मिलावट करके किसानों को नकली खाद बेच देते हैं। इस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी खास विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप फर्टिलाइजर की गुणवत्ता के बारे में जान सकते हैं। इस विधि की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी खाद असली है, कौन सी नकली। आइए जानते हैं। असली और नकली खाद के विषय में आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। खाद को खरीदते वक्त उसके दानों को हाथों में लेकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। इसके लिए आपको डीएपी के बारे में समझना होगा। डीएपी सख्त दानेदार भूरे और काले रंग का होता है। अगर आप इसे अपने नाखूनों से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये टूटता नहीं है। इसके दानों को चूने से रगड़ने पर बड़ी बुरी गंध आती है। वहीं अगर इन्हें प्लेट पर गर्म किया जाए तो डीएपी के दाने फूल जाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप खाद की गुणवत्ता के बारे में पता लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.फसलक्रांति.in पर कृषि से जुड़ी खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद।